Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by One Football Application. Now, One Football Application is my go-to app whenever I do my reviews and my previews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then One Football Application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कान खोल कर सुनना और अगले 2 से 2.5 महीने बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना। ट्रांसफर विंडो आज ऑफिशियली ओपन हो रही है। अब इस पूरे विंडो में आप बहुत सारी न्यूज ऐसी पढ़ोगे जो कि सच होंगी, लेकिन 90% न्यूज जो आप पढ़ोगे वो बेट्स होंगी, वो क्लिक क्लिक के लिए पोस्ट की गई न्यूज होंगी। तो भाई इन सारी न्यूज पर बौखलाना मत, इन सारी न्यूज पर आपा मत खोना और इन सारी न्यूज को चलते खुद को स्ट्रेस में मत डालना, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि अक्सर लोगों को एंजाइटी दे देता है, लोगों को अक्सर रोने पे मजबूर कर देता है, खुश होने के मौके देता है, लेकिन ये ट्रांसफर विंडो का वक्त बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम होता है और जब आप एक यूनाइटेड फैन हो तो और ज्यादा डिप्रेसिंग टाइम हो गई होगा। कल शाम पीएफए अवार्ड्स दिए गए, सलाह को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, रोनाल्डो को रिकॉर्ड पांचवीं बार पीएफए टीम ऑफ द ईयर के टीम में शामिल किया गया। लेकिन इस सब के चलते ना एक प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है और अगर मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं उसको मेंशन नहीं करूंगा और मैं ये पार्शियलिटी जो इंग्लिश फुटबॉल में होती आ रही है इस पे अगर मैं हाईलाइट नहीं करूंगा इन पॉइंट्स को तो फिर मेरी गलती होगी एज कॉन्टेंट क्रिएटर। युंगमिन सॉन हैड अ ब्रिलियंट सीजन, 45 गेम खेले, 24 गोल स्कोर किए और 10 असिस्ट किए। हैरी केन ऑन द अदर हैंड प्लेड 50 गेम्स, स्कोर 27 गोल्स एंड असिस्टेड 10। हैरी केन ने प्रीमियर लीग में खेलते हुए 5 पेनल्टी स्कोर की, युंगमिन सॉन ने एक भी पेनल्टी स्कोर नहीं की और उन्होंने गोल्डन बूट जीता विद 23 गोल्स। अच्छा, सलाह ने भी 5 पेनल्टी स्कोर की इसी सीजन, उन्होंने भी गोल्डन बूट जीता, शेयर हुआ था। सलाह को पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और युंगमिन सॉन को टीम ऑफ द ईयर के अवार्ड में शामिल ही नहीं किया गया। क्यों? युंगमिन सॉन ने पूरे सीजन स्पर्स को तब कैरी किया जब हैरी केन वॉज नॉट फायरिंग, व्हेन हैरी केन वॉज नॉट परफॉर्मिंग। और हैरी केन को किस बात के चलते नॉमिनेट किया गया? अगर आप गोल्डन बूट विनर को नॉमिनेट नहीं कर रहे हो पीएफए टीम ऑफ द ईयर के लिए और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए, तो आप किस बेसिस पर अपने राज दुलारे नेशनल टीम के हीरो को प्रमोट करके और नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, युंगमिन सॉन होते भी तो भी सलाह को ही मिलता, वो सबको पता है, क्योंकि हैरी केन को तो नहीं मिला, लेकिन ना नॉमिनेट किए गए और ना ही टीम ऑफ द ईयर में शामिल किए गए। आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट माने, लेकिन माने की जगह युंगमिन सॉन का होना बनता था, क्योंकि देखो रोनाल्डो 18 गोल स्कोर किए यूनाइटेड के लिए, उन्होंने भी 3 पेनल्टी स्कोर की थी, लेकिन एक ऐसी यूनाइटेड टीम के लिए गोल स्कोर करना जिसमें क्रिएशन के नाम पर ज्यादा कुछ था नहीं और सारे प्लेयर्स कुछ अच्छा कर नहीं रहे थे, और दूसरी तरफ आपके पास सलाह थे जिन्होंने इतना आतंक मचा के रखा हुआ था। हाँ ठीक है, उनके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के आने के बाद से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन वट एवर ही डिड इट हेल्प लिवरपूल इन विनिंग 2 कप कॉम्पिटिशंस और साथ ही साथ उन्हें चैंपियंस लीग खेला भी फाइनल, और वो प्रीमियर लीग का टाइटल जो था वो आखिरी दिन 1 पॉइंट से हार गए। अगर मैं कल की टीम सिलेक्शन की बात करूँ ना पीएफए वाली की, तो उसमें यार 2 जगह ऐसी हैं जहां मेरे आईब्रोज रेज हो रही हैं। रॉड्री हैड अ फैंटास्टिक सीजन, ठीक है ना, एंड फेबिनियो हैड अ ब्रिलियंट सीजन, लेकिन ना रॉड्री को शामिल किया गया और ना ही फेबिनियो को शामिल किया गया। शामिल किया गया थियागो को, बाकी किसी प्लेयर से कोई दिक्कत नहीं है। डिब्रोयना नीड्स टू बी देयर, बर्नार्डो सिल्वा नीड्स टू बी देयर, सलाह नीड्स टू बी देयर, रोनाल्डो नीड्स टू बी देयर, बट वाई थियागो एंड माने वर बीन इंक्लूडेड इन द टीम? वाई नॉट फेबिनियो और रॉड्री इन प्लेस ऑफ थियागो एंड वाई नॉट युंगमिन सॉन इन प्लेस ऑफ माने? ये भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑडियंस, कि आपके ख्याल से क्या जो कल टीम ऑफ द ईयर की अनाउंसमेंट हुई है उसमें 2 लोगों के साथ, बल्कि 3 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है क्या?
ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स की, क्योंकि भाई ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। कल रात में हमने मैच देखा, पोर्चुगल वर्सेस किस टीम से खेल रहे थे हम, चेक रिपब्लिक का, ठीक है ना। उस पूरे गेम में पोर्चुगल वर द बेटर टीम, पोर्चुगल अच्छा खेली, बट उस पूरे गेम में एक प्लेयर इतना खतरनाक खेला जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और उसका नाम था बर्नार्डो सिल्वा। इस पर मैं इसका रिव्यू अगले दूसरे चैनल पर डालूंगा। कल हमने बहुत सारी न्यूज पढ़ी कि भाई यूनाइटेड आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम साइनिंग फ्रेंकी डियोंग, डार्विन न्यूनियस के एजेंट से मिलने एरिक टेन हैग पोर्चुगल गए हैं, लिवरपूल ने ऑफिशियल बिड सबमिट कर दी डार्विन न्यूनियस के लिए, एंटनी के साथ नेगोशिएशन शुरू करने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसके साथ ही साथ यूनाइटेड ये भी चाहती है कि जूरियन टिम्बर की जल्दी से जल्दी डील क्लोज हो जाए। तो भाई ऐसा है कि जितनी भी न्यूज आपने पढ़ी है ना, उसमें से कोई भी रिलायबल सोर्स की तरफ से नहीं आई है। ये वन स्टेप अवे वाली न्यूज भी अल चेंगरी तो कर रहे हैं पोस्ट, और कोई दूसरी एक लेडी रिपोर्टर है, उन्होंने पोस्ट की थी। किसी भी रिलायबल सोर्स ने अभी तक ये नहीं बोला है कि यूनाइटेड ने कंक्रीट ऑफर पोस्ट किया है। बहुत सारे फैन पेजेस हैं, स्ट्रेटफोर्ड पेडक और बहुत सारे अदर पेजेस हैं, जो कि ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यूनाइटेड गई है ऑफर लेके बार्सिलोना तक। ऑफर लेकर जाना और ऑफिशियल ऑफर प्लेस करना बहुत फर्क होता है। बार्सिलोना को पैसे की जरूरत है, वो फ्रेंकी डियोंग को बेचेंगे, बट उसके साथ ही साथ बार्सिलोना को बर्नार्डो सिल्वा की प्रोफाइल का प्लेयर भी चाहिए। अब ये सोच के देखो कि अगर बर्नार्डो सिल्वा के लिए बार्सिलोना जाती है और मैन सिटी ने आस्किंग प्राइस रखा है 100 मिलियन, तो एक ये भी तो ऑप्शन है कि बार्सिलोना हो सकता है 25 से 30 मिलियन देकर बर्नार्डो सिल्वा को ले आए, फ्रेंकी डियोंग को एज अ ट्रेड यूज करे। अब वहां पर दोनों पार्टीज का भला है, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग एक यंग प्रोस्पेक्ट, आयक्स फिलोसफी, बार्सिलोना फिलोसफी का बंदा आ रहा है पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेलने के लिए, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अडेप्ट करने में। उसके साथ ही साथ बर्नार्डो सिल्वा जैसा टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर, जो कि इतना कंपोजर लेकर आता है मिडफील्ड में, क्रिएटिवनेस लेकर आता है और मैच्योरिटी लेकर आता है, वो ज्वाइन करेगा बार्सिलोना। तो अभी जो किस्से और कहानियां आप फ्रेंकी डियोंग के बारे में सुन रहे हो कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ एक कदम दूर है, ये ट्रांसफर विंडो की दुनिया बहुत ही निराली दुनिया होती है बाबू। यहाँ पे एक कदम दूर की साइनिंग ना 100 कदम दूर मानी जाती है, क्योंकि जब तक सिग्नेचर नहीं रखा जाता है डॉक्यूमेंट के ऊपर और जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं निकल कर आती है, तब तक कुछ भी हो सकता है। तो इस बात पर प्लीज भरोसा मत करिए कि यूनाइटेड आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग देयर मैन। उसके साथ ही साथ जो डार्विन न्यूनेस के एजेंट से मिलने वाली न्यूज थी, भाई आई हैव जीरो ट्रस्ट इन दैट न्यूज, आई एम नॉट काउंटिंग दैट एज अ ट्रूथफुल न्यूज। क्यों? क्योंकि मैनेजर कभी भी जाकर ना ऐसे ट्रेवल करके एजेंट से नहीं मिलता है जब उन्हें पता हो कि जिस टीम से वो कम्पीट कर रहे हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी प्लेयर एक्सेप्ट कर चुका है, वो सामने डीलिंग क्लब ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। अगर एरिक टेन हैग इस लड़ाई में, इस हारी हुई बाजी में अपना एक पत्ता फेंकना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि आप ये देखो कि अगर एरिक टेन हैग डार्विन न्यूनेस के एजेंट से मिलकर, उनसे बात करके, डार्विन न्यूनेस से मीटिंग फिक्स भी कर लेते हैं, तो भी डार्विन न्यूनेस एक ऐसी टीम में जाएंगे जहां उन्हें सबसे पहली बात है चैंपियंस लीग फुटबॉल मिले, और जो उनका की प्लेयर जा रहा है उसकी जगह उन्हें सीधी सीधी एंट्री मिल रही है। लिवरपूल ने अभी अगर ये साइनिंग कर ली तो मैन सिटी की वो हालैंड वाली साइनिंग का एक जवाब दे पाएंगे मार्केट में जाकर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां मैन सिटी ने दो फॉरवर्ड साइन किए हैं, लिवरपूल आर ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग देयर वन ऑफ द मेन मैन, दैट इज सादियो माने। तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो एरी गैरी साइनिंग नहीं कर सकते, और उनका फैन बेस भी डिमांड करेगा एक स्टेटमेंट साइनिंग। तो ये डार्विन न्यूनेस की साइनिंग एक स्टेटमेंट साइनिंग होगी, एंड दिस विल इवेंचुअली पुट सम मोर प्रेशर ऑन मैन सिटी कि अगर तुम अपने फ्रंट लाइन में एक एडिशन कर रहे हो तो हम भी अपनी अटैक लाइन में एक एडिशन कर रहे हैं। अभी तक लिवरपूल बिना एक प्रॉपर नंबर रन के खेली है क्लॉप के अंडर, डिविक ओरिगी जितने भी गेम खेले हैं वो बहुत कम है, फर्मिनो वॉज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9, ही वॉज अ मेकशिफ्ट नंबर 9, ही इज अ प्रॉपर नंबर 10 जिसको आपने फॉल्स 9 के रोल में खेलते देखा। उसके साथ ही साथ डिएगो जोटा इज नॉट अ नंबर 9, ही इज अ लेफ्ट विंगर। अभी आप सलाह को एज अ सेंटर फॉरवर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि बिकॉज सलाह इज अ गोल स्कोरिंग राइट विंगर, क्योंकि विंगर्स जो होते हैं ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैंचो जैसे विंगर्स जिनको क्रिएट करना पसंद है, और एक होते हैं सलाह जैसे विंगर्स, रोनाल्डो जैसे विंगर्स, मेसी जैसे विंगर्स,
वैसे खैर मैं उसको विंगर नहीं बोलूंगा बिकॉज ही हैज प्लेड इन मल्टीपल पोजीशंस एज अ फॉल्स नाइन, एज अ नंबर टेन, एज अ विंगर. तो ये वो प्लेयर्स डिसाइड करते हैं भाई कि क्लब का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा. डार्विन न्यूनेस की साइनिंग अगर यूनाइटेड कर भी लेती तो उन्हें अपनी मिडफील्ड सुधारनी पड़ती और उन्हें अपना फुल बैक एरिया सुधारना पड़ता. फुल बैक के एरिया में अभी कोई लिंक्स निकल कर नहीं आ रहे हैं कि यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जाएगी या उस प्लेयर के लिए जाएगी. उसके साथ ही साथ जूरियन टिम्बर की न्यूज पे अभी कोई लेटेस्ट अपडेट है नहीं. एंटनी के बारे में ये लेटेस्ट अपडेट आई है कि यूनाइटेड आर रियली डेस्परेट, यू नो, एंड एरिक टेन हैग वांट्स एंटनी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैंने ये बहुत बार बोला है कि राइट विंग पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होगा क्योंकि सैंचो इज फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच. अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या खड़ी होगी कि आयक्स से हम दो प्लेयर कैसे लेकर आएंगे. उन्होंने अभी माजुराई को बेचा है बायर्न म्यूनिक को, और अब वो अगर हमें जूरियन टिम्बर बेचेंगे तो उनके दो फर्स्ट टीम प्लेयर्स जाएंगे. उसके साथ ही साथ अगर वो एंटनी को भी सेल करते हैं तो उनकी टीम से तीन फर्स्ट इलेवन के प्लेयर्स जाएंगे. एडसन अल्वारेस की भी न्यूज है, लिसांड्रो मार्टिनेस की भी न्यूज है. आयक्स हाँ एक सेलिंग क्लब है, बट एक सेलिंग क्लब भी अपनी टीम को देखकर ही सेल करता है ना. वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक ही विंडो में चार से पांच प्लेयर निकाल दें और फिर टीम बिल्ड करती घूमे, क्योंकि उन्हें भी अगले साल चैंपियंस लीग फुटबॉल में कम्पीट करना है. वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नहीं कर रही चैंपियंस लीग फुटबॉल में कम्पीट. एंटनी के लिए आयक्स से निकलकर यूनाइटेड ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा. एक बड़े क्लब में मूव करेंगे वो, नो डिसरिस्पेक्ट टू आयक्स, बट हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आयक्स अभी भी, जब भी मतलब यूनाइटेड नहीं भी खेल रही है चैंपियंस लीग में, बट यूनाइटेड आर स्टिल अ बिग डॉग इन वर्ल्ड फुटबॉल. लेकिन क्या हमारे पास वो तुरुप का इक्का है, वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का तुरुप का इक्का जो कि एरिक टेन हैग यूज कर प्लेयर्स को अट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं ओल्ड ट्रेफर्ड पे. क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के केस में मेन बात जहां आके रुकेगी वो होगी एरिक टेन हैग का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. एरिक टेन हैग जब फ्रेंकी डियोंग से बात कर रहे हैं तो वो कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना वो मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंकी डियोंग का, वो मेन मुद्दा होगा. क्योंकि अगर मैन सिटी कूदी रेस में तो मैन सिटी के पास बेटर मैनेजर है, मैन सिटी के पास बेटर स्क्वाड है, मैन सिटी के पास प्रॉपर प्रोजेक्ट है. यूनाइटेड में एक रीबिल्ड फेज में सिर्फ एक ही चीज फ्रेंकी डियोंग को आने पर थोड़ा सा एक्साइट कर सकती है, और वो होगी उनका मैनेजर उन पर कितना भरोसा कर रहा है और उनका मैनेजर उनके आजू बाजू कितनी टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है. ये एक मेन मुद्दा होगा फ्रेंकी डियोंग अगर यूनाइटेड आते हैं तो, कि उनको कैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया गया. इसके साथ ही साथ बहुत लोग ये भी पूछेंगे भाई कि हमने अगर डार्विन न्यूनेस पे मिस कर दिया तो क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा. देखो डार्विन न्यूनेस के लिए लिवरपूल सीधे सीधे 80 मिलियन अपफ्रंट पे कर रही है और 20 से 25 मिलियन के एडवांस दे रही है. यूनाइटेड अगर फ्रेंकी डियोंग के लिए 60 मिलियन का ऑफर जो रिपोर्ट हुआ है वो लेके गए हैं प्लस 20 मिलियन एडवांस, तो अगर हम डार्विन न्यूनेस के लिए 100 मिलियन के अपफ्रंट फ्री रखेंगे तो हमारे 160 मिलियन तो ऐसे ही खर्च हो गए, प्लस बोनसेस एंड अदर थिंग, वो मिला के लगभग हो जाएगा 190 मिलियन. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनाइटेड को चाहिए कम से कम चार से पांच साइनिंग, कम से कम चार तो चाहिए ही चाहिए. एक डिफेंस डिपार्टमेंट में चाहिए, एक उन्हें मिडफील्ड में चाहिए, एक नंबर नाइन के पोजीशन पे चाहिए, और एक उन्हें चाहिए राइट विंग पर. और चलो राइट विंग पर अगर साइन नहीं भी करेंगे तो उन्हें मिडफील्ड में कम से कम दो साइनिंग चाहिए ही चाहिए. क्यों? अब यहां पर रूबेन नेवेस का कल जिसने भी गेम देखा होगा पोर्चुगल के लिए खेलते हुए, तो उनको एक चीज तो समझ में आई होगी कि यूनाइटेड में रूबेन नेवेस जैसे प्लेयर की कमी है. अब चाहे आप फ्रेंकी डियोंग लेकर आओ या आप चाहे किसी भी प्लेयर को लेकर आओ क्रिएटिवनेस बढ़ाने के लिए, आपको रूबेन नेवेस जैसा डीप लाइन प्लेमेकर चाहिए ही चाहिए होगा. फ्रेंकी डियोंग अलोंग साइड रूबेन नेवेस कुड बी अ बेटर फिट, कुड बी अ परफेक्ट फिट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज रूबेन नेवेस जो मोटिन्यो के साथ डबल फिट में खेलते हैं, पोर्चुगल में विलियम कवायो या डेनिल यू नो डेनिलो परेरा के साथ खेलते हैं, और एट टाइम्स वो पलीना के साथ भी खेलते हैं. यूनाइटेड में एक तरफ होगा प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस और क्वालिटी, और एक तरफ होगा यूथ और यू नो एक एक्स फैक्टर जो कि फ्रेंकी डियोंग अपने साथ लेकर आएंगे. ये कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो यूनाइटेड की जो इतने साल से कैरिक के जाने के बाद से प्रॉब्लम चली आ रही है, एक कंपोजर नहीं है मिडफील्ड में, एक एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी है, वो सॉल्व हो जाएगी. जितने भी लोगों ने रूबन नेवेस को पिछले 3 सीजन में फॉलो किया होगा उनको पता होगा कि रूबन नेवेस ने कितना इंप्रूव किया है वुल्स की साइड को, और कल भी चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट भी रूबन नेवेस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. बर्नार्डो सिल्वा, कैंसेलो एंड रूबन नेवेस वर द 3 प्लेयर्स जो कि पूरा गेम रन कर रहे थे पोर्चुगल के लिए. अब देखो यार यही मैंने बात कर ली लिवरपूल की, यूनाइटेड की, ठीक है ना. आर्सेनल को भी तो जरूरत है प्लेयर्स की,
क्या आर्सेनल क्या करेगी, क्योंकि आर्सेनल भी हमारे साथ ही कंपीट कर रहे हैं। गेब्रियल हिजूज कहाँ जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। सिटी अपनी मिडफील्ड में अगर बर्नार्डो सिल्वा को जाने देती है तो क्या वो फ्रेंकी डियोंग के लिए जाएंगे या फिर वो किसी और प्लेयर के लिए जाएंगे, क्योंकि उनका फर्नांडिनो जा रहा है, अगर उनका गुंडोगन भी चला गया तो सिटी के मिडफील्ड में कम से कम दो साइनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये ट्रांसफर विंडो बहुत लंबी होने वाली है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला भी कि हर एक बात जो आप ट्विटर पे पढ़ो, हर एक इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो सच नहीं होती है। जो सच होंगी उनको मैं अपने पेज पर पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टीयर वन सोर्सेस पोस्ट करता हूं अपने पेज पर। उसके साथ ही साथ डिस्कशन के लिए मैं सारी रिपोर्ट जरूर कंसिडर करूंगा, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस रिपोर्ट पर आपको भरोसा करना है और किस रिपोर्ट पे नहीं करना है। तो डिसीजन आपके हाथ में है भाई, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि एक तो PFA अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें टीम ऑफ द ईयर जो बनी है वो सही थी या नहीं थी, और अगर हम रूबन नेवेस को लेकर आते हैं और हम फ्रेंकी डियोंग को लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि हमारी मिडफील्ड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और मिलता हूँ आपसे शाम में एक लाइव स्ट्रीम पर, और सोच रहा हूँ एक वीडियो भी अपलोड करूंगा दिन में अगर टाइम मिला तो। बाय बाय, टेक केयर।